हेलो जैन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? यू आर आर फाइन स्टूडेंट्स। यू नो दैट वी हैव स्टडी अबाउट दिस चैप्टर इन जूम क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस इन आवर वीडियो चैप्टर सिक्स एनिमल्स। चैप्टर सिक्स एनिमल्स। सो ओपन योर बुक्स पेज नंबर 38 एंड गेट रेडी विथ मी। ओके, pet and domestic animals live with us. You know that very well, pet and domestic animals live with us. Pet or domestic animals jo hai hamare saath rehte hain. Dogs, cat, cows, goat, bullock, buffalo, sheep, horses, hens, donkey, etc. move in and around our neighborhood. जो जितने भी एनिमल्स का हमने नाम लिया, इट इज डॉग, कैट्स, हॉर्स, डोंकी, इट इज आर मूव्स अराउंड आवर नेबरहुड। हमारे आसपास क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। काउ बफेलोस वगैरह देखते हैं आपको, गोट है, तमाम सारे एनिमल्स जो है हमारे आसपास दिखाई देते हैं, घूमते रहते हैं। दे आर यूजफुल टू अस, दे आर यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक है। These animals are very useful to us. We get milk from cows and goats, eggs from hens and dogs, meat from hens and goats. We also eat fish. हम लोग eggs, we get milk from cows and goats. We get milk from cows and goats. हम लोग milk कहाँ से प्राप्त करते हैं? Cow से और goat से प्राप्त करते हैं। Eggs, eggs आप जानते हैं, hen से और duck से, and meat also we get from the hens and goat, and we also eat fish. Okay, we get wool from sheep. Wool, you know, wool from sheep. Sheep से हम लोग क्या करते हैं, wool प्राप्त करते हैं। Wool, ऊन जो होता है। Bullocks, donkey and horses carry load for us. Dogs guard our, dogs जो है हमारे घर की सुरक्षा करता है। ओके, बट वाइल्ड एनिमल्स डू नॉट रोम फ्रीली इन आवर नेबरहुड। लेकिन क्या होता है बेटा, वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर है वो फ्री नहीं घूमते हैं हमारे आस पड़ोस में, फ्री नहीं घूमते हैं। अगर फ्री घूमना शुरू करते हैं जंगली जानवर, तो आपको पता है क्या हाँ, बहुत हार्मफुल है सब, बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को भी वो मार सकते हैं। ओके, जैसे लायन, टाइगर एंड मेनी अदर्स एनिमल्स। ओके, दे लिव इन जंगल्स, वी कैन सी देम इन जू। वे जंगल्स में रहते हैं, उन्हें आप जू में भी देख सकते हैं। ओके, चिड़ियाघर में देखते होंगे आप लोग। सेंचुरी और नेशनल पार्क, सेंचुरी में भी देख सकते हैं, नेशनल पार्क बहुत सारे हैं उन्हें देख सकते हैं। लायंस, एलिफेंट, टाइगर्स, ज़ेब्रा, जिराफ, राइनोसोरस आर सम वाइल्ड एनिमल्स। दीज एनिमल्स आर वाइल्ड एनिमल्स। ओके, बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, यू नो दैट वेरी वेल विच एनिमल इज बिग एंड विच एनिमल इज स्मॉल। सो बिग एंड स्मॉल एनिमल्स बारे में हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। ओके, जस्ट लाइक प्लांट, जस्ट लाइक प्लांट, जैसे कि पौधा होते हैं, बड़े बड़े पौधे होते हैं, एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। एनिमल्स के भी बहुत सारे शेप होते हैं और साइज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द एलिफेंट, टाइगर, हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस, जिराफ, इट इज आर बिग एनिमल्स। ये जो है एनिमल्स जो है बहुत ही बड़े हैं, बड़े बड़े एनिमल्स हैं, बिग हैं, बहुत बड़े हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड द कैट, सॉरी एंड द कैट, रैबिट, डॉग, रैट, स्क्वायरल, डॉग, इट इज आर स्मॉल एनिमल। ये क्या है, स्मॉल कैट है, डॉग है, रैबिट है, स्क्वायरल है, रैट है, क्या है, स्मॉल। ओके स्टूडेंट्स, बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, बॉडी पार्ट्स,
body part of any animal. Okay, body parts of animals. Okay, most of the animals have four legs. अधिकतर जितने भी animals होते हैं उनके क्या होते हैं? Maximum four leg वाले होते हैं. Okay, four legs होते हैं. Cows, goats, sheep, horses, etc. walk on their four legs. Cows, goats, sheep, horses जो है अपने four legs से walk करते हैं. Rabbit and kangaroos help on their strong hind leg. Rabbit and kangaroo जो होते हैं अपने hind leg पिछले पैर की मदद से ज्यादा क्या करते हैं? कूदते हैं, jump करते हैं, hop करते हैं. Okay, hop. A deer has thin legs to outrun its enemies. Deer के पास बहुत पतले पतले legs होते हैं जो उनको enemy से outrun करने में, घूमने में मदद करता है, भागने में मदद करता है. Okay? Snake and earthworm do not have legs. They slither on the ground. आपने देखा होगा snake. एंड अर्थवार इसमें जानते हैं, इसमें देखेंगे कि अर्थवार में देखेंगे केचुआ जिसको कहते हैं आप लोग, सब लोग कहते हैं, ये उनके पैर नहीं होते, दे हैव नो लेग्स. ओके, इंसेक्ट लाइक एंड बटरफ्लाइज हैव पिटिशी एक्सेस. इंसेक्ट जो भी इंसेक्ट्स हैं उनमें क्या है? सिक्स लेग्स होते हैं. इंसेक्ट में कितने लेग होते हैं? इंसेक्ट्स में सिक्स लेग होते हैं. ओके, सिक्स लेग्स होते हैं. ओके, जैसे बटरफ्लाई वगैरह है. फिश डू नॉट हैव लेग्स, फिश में लेग्स नहीं होते हैं. दे हैव फिन्स एंड गैल्स. उनमें क्या होता है? फैंस होता है और टेल्स होते हैं. विच हेल्प देम टू मूव इन वाटर, जो उनको पानी में मूव करने में मदद करता है. सम एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू सूट देयर लाइफ स्टाइल. कुछ एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं बहुत ही स्पेशल होते हैं, उनको लाइफ स्टाइल को सूट करता है. ठीक है, जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, इट लिव्स ऑफ द टॉल ट्री. एक जिराफ की बहुत लंबी लंबी गर्दन होती है, लंबी गर्दन होती है जो लंबे लंबे पेड़ों को पत्तियों को खाने में उसका हेल्प करता है, तो उसके लाइफ स्टाइल को सूट करता है. ओके, एन एलिफेंट हैज अ ट्रंक टू पिक एंड ड्रॉप थिंग्स. एक एलिफेंट का ट्रंक होता है, सुन होता है, जिससे वो वस्तुओं को उठा सकती है और ले जा सकती है, रख सकती है. फ्रॉग एंड कैमेलियंस हैव अ लॉन्ग टर्म टू कैच इंसेक्ट. फ्रॉग जो होते हैं और चिमेनियंस उसी कैटेगरी के हैं, फ्रॉग के ही कैटेगरी के हैं चिमेनियंस. उनके लंबे लंबे टर्म्स होते हैं, जीव होते हैं जो कीटाणु ऐसे जीव से अपने पकड़ लेते हैं. ओके, एनिमल्स हैव टेल्स व्हिच दे यूज फॉर स्पेशल पर्पस. कुछ एनिमल्स के पैर जो है, पोस्ट जो है, उनके विशेष उद्देश्यों के लिए होता है. ठीक है, अब हम लोग उस टेल्स के बारे में कल देखेंगे बेटा, टुमारो नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.